तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल फॉर्मूला। एक्सेल फॉर्मूला में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन फॉर्मूला के बारे में। नहीं, इंफॉर्मेशन फॉर्मूला से पहले हम बात करेंगे डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने सम इफ काउंट इफ जैसे फॉर्मूले आपने पढ़े, उसी तरह का हमारे पास डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला है, वो हम आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूला आपके सामने एक डेटा है, मैं इस डेटा को इसमें थोड़ा सा डेटा कॉपी कर लेता हूं। और इसे पेस्ट कर दिया। अब मुझे इस डेटा में से कुछ डेटा को सम करना है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे डिपार्टमेंट और सैलरी ले लिया मैंने, और मंथली ले लेता हूं, तो मुझे यहां पे आईटी डिपार्टमेंट का चाहिए, उसके बाद मुझे इसमें आर एंड डी डिपार्टमेंट चाहिए, लेकिन आर एंड डी डिपार्टमेंट का सैलरी होना चाहिए ग्रेटर देन 60,000, और एक और टीम चाहिए हमें, वो चाहिए हमारा सेल्स का, और सेल्स का मैं सैलरी सारा चाहिए, बस मंथ जो है हमारा वो सितंबर होना चाहिए। अब इतने सारे कंडीशन है सर आपके, तो आपको यहाँ पे सम इफ्स लगाना होगा और वन बाय वन लगाकर फिर सम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी में कुछ कंडीशन है और किसी में कुछ कंडीशन नहीं है। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि तीनों कंडीशन रीड कर दे। तो इसी तरह का चीज हम एडवांस फिल्टर में करते थे। आप डेटा मेनू में जाएंगे तो हमारे पास एडवांस फिल्टर होता है कि हम यहाँ पे आए और क्राइटेरिया सेलेक्ट करें एंड ओके करते थे तो हमारा डेटा फिल्टर हो जाता था, ठीक है आपको सर। तो उसी तरह से सेम कंसेप्ट पे हमारा बना हुआ है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड शोर आ रहा है। प्रसून जी, सुजीत सर, परमिशन नहीं है ऐसा लगता है, मुझे दे दिया है मैंने। ओके, थैंक यू सर। अब यहाँ पे जो है हमें सम करना है, तो जैसे एडवांस फिल्टर हमने अप्लाई किया उसी तरीके से यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं डी सम। डी सम में हमने पहले डेटाबेस को सिलेक्ट किया और फिर हमने फिल। अब याद रखिएगा जो डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट का फॉर्मूला है वो लगाने का सबका तरीका सेम है, कि डेटाबेस फिल्ड किस फील्ड का टोटल चाहिए, तो मुझे सैलरी का टोटल चाहिए तो सैलरी सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर इन्वर्टेड कॉमा में आप मेनू में लिख लीजिए सैलरी, और फिर आप क्राइटेरिया ले लीजिए। याद रखिए क्राइटेरिया जब भी लीजिएगा, चाहे डेटाबेस फॉर्मूला में या फिर एडवांस फिल्टर में, आपका हेडिंग का होना जरूरी है। ये आपका टोटल आ गया डी। ऐसे आपके पास डी एवरेज है, डी एवरेज हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा को सिलेक्ट किया, हमने किसका एवरेज निकालना है उसको सिलेक्ट किया, और हमने क्राइटेरिया सिलेक्ट किया। सबका लगाने का तरीका सेम है। ऐसे ही आपका डी अकाउंट है, अकाउंट ए है, डेटाबेस को सिलेक्ट किया, फिर किसका अकाउंट निकालना है, तो हमने अपना मंथ का अकाउंट निकालना है, तो क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया है। इसी तरह से आप सारे लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला पे अगर एफएक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ कैटेगरी पे आइए, ये आपका डेटाबेस फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये आपका सेम फॉर्मूला है। तो डी एवरेज एवरेज निकालता है, डी काउंट नंबर को काउंट करता है, डी काउंट है नंबर और वैल्यू दोनों काउंट करता है, डी गेट मैं ही बताता हूँ, डी मैक्स मैक्सिमम नंबर निकालता है, मिनिमम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता है, डी सम ये डी वेरिएंट निकालता है। तो ये डेटाबेस के फॉर्मूले हैं।
इसमें डी गेट एक समझ लीजिए, डी गेट क्या है, जैसे मुझे आईटी और दिसंबर का सैलरी चाहिए, दो कंडीशन, तो इसके लिए हम यहां पे डी गेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन इसका हेडिंग होना जरूरी है, तो यहां पे हमने लिया डी गेट फॉर्मूला और डी गेट में हमने पूरे एरिया को सिलेक्ट किया। और यहाँ पे फिल किसका, तो मुझे सैलरी चाहिए तो सैलरी को सिलेक्ट कर लिया और क्राइटेरिया में हमने इसको ले लिया। आ गया सर? अब बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी फॉर्मूला है, हम फिर वी लुकअप के पीछे क्यों पढ़ रहे थे? क्या सर? तो एक चीज यहाँ पे जान लीजिए, जो डी गेट का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला में कुछ खामियां है। सबसे पहले कि आपका डिपार्टमेंट मंथ होना चाहिए, तो आप कहीं भी देखेंगे तो इंडिविजुअली ही देख पाए। ठीक है, दूसरा है कि अगर रिपीट हुआ, जैसे कि हमने बोला था कि मुझे आईटी और दिसंबर, तो आईटी और दिसंबर को दो बार लिख देता हूं, आ गया? इसलिए फॉर्मूला पॉपुलर नहीं हुआ। तो डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया? आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा एक बार। हेलो प्रसून जी, दीपक जी। जी सर, समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कैटेगरी की फॉर्मूला के बारे में एक बार जान लीजिए। ये फॉर्मूला ये सेल्फ काम नहीं करता है, वो किसी फॉर्मूले के साथ मिलके काम करता है, समझे? अब जैसे एफएक्स पे आते हैं, आपको बताते हैं, यहां से डेटाबेस का पे लिस्ट ले लीजिए, इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। अब जैसे सेल का फॉर्मूला, अब सेल का फॉर्मूला इंफॉर्मेशन देता है अबाउट अ सेल। अब हमें इक्वल टू सेल दिया, तो सेल में सबसे पहले एड्रेस, ये आपका सेल का एड्रेस देगा, B2 है। फिर आपको यहाँ पे कॉलम नंबर, कलर, कौन सा कलर। अब एक फॉर्मूला ये होगा, याद होगा कि कलर, जैसे कि -1 कर देता हूं और मैं यहाँ पे सेल में देता हूँ कलर। अब कलर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि वो सेल का कलर दिखाता है, जी नहीं, मैं कलर में और यहाँ पे मैं रेफरेंस दे दिया 12, ये आपका 0 आ रहा है, मतलब कि इसको माइनस को कलर में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो आप नंबर में आते हैं ना, यहाँ पे कलर दे देते, 1 आ गया सर। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर कलर कर दिया तो एक कलर बताता, जी नहीं, ये नहीं। लेकिन इसमें इसका यूज ज्यादातर हम करते हैं एक चीज के लिए, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि जो हम सीट का नाम लेंगे, जब सीट का नाम जैन दिया, वही नाम मुझे यहां आना चाहिए। तो यहां पे हम फॉर्मूला करते हैं सेल का, और यहां पे हमारे पास एक फाइल नेम का ऑप्शन होता है, वो फाइल का नेम दिखा देता है विद पाथ। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी ये फाइल अभी सेव नहीं, मैं अगर इस फाइल को सेव कर देता हूं तो फिर पूरी पाथ विद सीट नेम दिखाएगा। ठीक है सर? मुझे इसमें से सीट नेम अलग करना है, तो सीट नेम स्टार्ट है क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट से, तो मैं यहाँ पे
फाइंड का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसको नहीं, इसमें टेक्स देना होगा ना, क्लोजिंग ब्रैकेट को इन्वर्टर कॉमा में क्लोजिंग ब्रैकेट रखता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ देता हूँ व्हाट स्टार्ट वन से 46 आ गया। देन मैं यहाँ पर राइट का फॉर्मा लगाऊ, राइट का फॉर्मा लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, बोलूंगा इसकी जो कंप्लीट लेन है उसमें से माइनस 46 कर, जैन आ गया। अब मैं यहाँ पर मानो नाम चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ समरी। तो इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला इसी चीज में होता है, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन फॉर्मूला और भी है, जैसे इन्फो, इन्फो का फॉर्मूला है, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि डायरेक्टिव नंबर ऑफ फाइल, एक्टिव वर्कशीट कितना है, ओरिजिन इसका, लेफ्ट मोस्ट विजुअल सेल कौन सा है, कैलकुलेशन मोड क्या है, रिलीज आपका एक्सेल का वर्जन कौन सा है, 2016 है, 2016 का वर्जन यहाँ पे दिखा दिया है सर। ऐसे इसमें आपका एक और आता है एरर टाइप, एरर टाइप में क्या है कि आपका सेल पे कौन सा एरर है वो नंबर्स दिखाएगा, नम होता है 1-1 दिखाएगा, PIB2 दिखाएगा, -1 दिखाएगा, PIB2 वैल्यू 3, रेफरेंस का 4, नम नेम का 5, नम का 6, NA का 7, गेटिंग एरर डाटा 8, अननोन बार। अब पहले जाने की एरर कब आता है, जैसे नल का एरर, मान लीजिए आप इसको किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो नल का एरर दिखाएगा, ठीक है, कि अगर उसमें डेटा जो ढूंढा उसको नहीं मिला तो आपको नल का एरर दिखाएगा। फिर DIV /0 है, यहाँ पे -2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे हैश वैल्यू, जब कोई फॉर्मूला अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो DIV आता है, वैल्यू कब आता है जब आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला अपने क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो रेफरेंस जो आपने रेफरेंस दिया है और रेफरेंस डिलीट हो गया है, उसके बाद आता है नेम, कोई आपने फॉर्मूला लगाया और वो जो है इस वर्जन में है ही नहीं, या फिर है तो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो नम 6 आता है आपको, जैसे कि हमने अभी अभी दिखाया लगाया तो डी गिट का फॉर्मूला, वहां पे नंबर ऑफ रिपीटेशन था इसलिए नम आता है, NA7, उसके बाद आपके पास आता है गेटिंग डेटा, NA किसी गेटिंग डेटा एरर, जब आप किसी को लिंक करते हैं, डेटा इंपोर्ट करते हैं, वहां पे जो एरर शो होता है तो गेटिंग डेटा एरर आता है, अननोन आपका किसी भी तरह का एरर जो रीड नहीं कर पा रहा है उसमें अननोन, तो एरर टाइप जब आप लगाएंगे इसमें सेल का रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं तो यहाँ पे देता है NA, मतलब कोई एरर नहीं है, अगर यहाँ पे कोई NA का एरर देता हूँ 7 आ गया, मैं DIV का एरर दे दिया, तो इफ एरर आप लगाते हैं तो इफ एरर में क्या होता है, इफ एरर में क्या होता है कि सबका किसी भी एरर को रिप्लेस कर देता है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर एरर को रिप्लेस करना है तो उसके लिए एरर टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इज के कुछ फॉर्मूले हैं, इज ब्लैंक, आप देखिए अगर इज के फॉर्मूले हैं, अगर ब्लैंक हुआ तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, इज एरर, NA एरर को हटा के हर एरर को ट्रू देगा या फॉल्स देगा, इज एरर किसी भी तरह का एरर आया तो ट्रू एंड फॉल्स, इज इवन, इवन नंबर हुआ तो एरर, इज फॉर्मूला अगर आपने सेल को सिलेक्ट किया उसमें अगर फॉर्मूला लगा हुआ है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, इज लॉजिकल अगर वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, इज NA, सिर्फ NA का एरर है, इज नॉन टेक्स्ट, टेक्स्ट के अलावा कुछ भी है, ट्रू फॉल्स भी कंसीडर करता है, इज नंबर, अगर नंबर हुआ तो, इज ऑड, इज ऑड हुआ तो, ये आपको इज टेक्स्ट, अगर इज टेक्स्ट हुआ तो, इज के फॉर्मूले है, अगर आप इसको देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, सारे ट्रू एंड फॉल्स में ही रिटर्न करते हैं। सीट का फॉर्मूला बताता है कि कितने नंबर ऑफ सीट है, शीट्स मतलब कि ये आपका सीट होता है कि कितने भी एक्टिव फाइल में कितने नंबर ऑफ शीट्स, नहीं सॉरी, सीट बताता है कि जो सीट आप लगा रहे हैं उसका सीट नंबर क्या है, और शीट्स बताता है कि पूरे सीट फाइल में कितने नंबर ऑफ शीट्स है,
और टाइप एरर का टाइप अलर्ट करता है कि एरर का कौन सा टाइप। तो आप लोग दीपक जी ये फॉर्मूला को आगे चल के हम जो है आपको अलग अलग फॉर्मूले में हम इस्तेमाल करके सिखाएंगे, तो आप इसके बारे में आ जाए। लेकिन इसका रिटर्न सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में आता है, तो उस ट्रू एंड फॉल्स की इंफॉर्मेशन लेके हम आगे अपना काम करते हैं। जैसे कि अभी सेल में इंफॉर्मेशन लेके हमने एक सीट में अलग किया, तो उस तरह से आगे इसका हम काम करते हैं। एक बार इसकी आप लोग चेक कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप अपने हिसाब से सबके एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करें, नहीं तो फिर हम सबके एग्जाम्पल बताएंगे आपको, लेकिन आप अपने हिसाब से पहले एक बार एग्जाम्पल देख। क्लियर है सर? आप कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। विजय जी, चलिए नहीं है डाउट है क्वेश्चन, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, और कल हम बात करेंगे फाइनेंशियल फॉर्मूले की। सर हाँ पूछे सर, अगर क्लास नहीं रहेगा तो आप मैसेज डाला करो, हम लोगों ने।